हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग। और आज इस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपके पार्टनर को आपसे दूर रहने के बाद आपकी वैल्यू, आपकी कदर समझ में आई है, आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आई है, कि आप उनकी लाइफ में आखिर में क्या मायने रखते थे, ये चीज़ें देखेंगे। ठीक है गाइज, जनरल कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग है। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होगी, उसके अलग जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्सल, बताइए गाइड कीजिए यूनिवर्सल, बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन को दूर जाने के बाद उनकी कदर समझ में आई है, उनकी वैल्यू समझ में आई है या नहीं आई है। फर्स्ट वन इज सप्रेशन, सेकेंड वन इज वी आर द वर्ल्ड, थर्ड वन इज द आउटसाइडर। यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए नंबर 10 यानी कि अक्टूबर मंथ इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। किसी ना किसी तरह से आपसे रिलेट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे आया है द मास्टर, गोइंग विद द फ्लो। एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्सल, बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन को। यहाँ पे आया है द ड्रीम। देखिए गाइस, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जब आप लोग साथ में थे ना, तो आपके पार्टनर शायद आपको इतना सीरियस नहीं लेते थे। आपके साथ इनका जो भी रिश्ता था, उसमें आप जितने इनके प्रति सीरियस थे, इन्हें प्यार करते थे, इनके लिए मर मिटने वाली एनर्जीज थी आपकी, उतना ये आपके प्रति लाइट थे। ये चीज़ें दिख रही हैं, यानी कि बस ये आपके साथ रहते तो ज़रूर थे, लेकिन बस एक फ्लो के साथ रहते थे। मतलब जैसे लाइफ जहाँ लेकर जा रही है, उस एनर्जीज में ये आपके साथ रहते थे। थोड़ा कम बोलना इनका नेचर था, प्रैक्टिकल ज़्यादा थे कंपैरिजन ऑफ यू। इनके साथ कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है थोड़ा ईगो का इशू है, थोड़ा स्टबर्न एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। यानी कि इनके दिमाग में हमेशा ये रहता है, और पास्ट में भी ये था कि ये सब कुछ जीत सकते हैं, सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। मतलब थोड़ा ईगो ही कह सकती हूँ, बहुत ज़्यादा अहंकार था इनके अंदर कि ये अपनी दुनिया खुद से बना सकते हैं, सब कुछ जीत सकते हैं। ये एनर्जीज में आपके साथ रहते थे पास्ट में, जो आपने भी नोटिस करा होगा। लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, और आपको लेकर भी मतलब नेचर इनका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था। ये चीज़ें दिख रही हैं, मेटेरियलिस्टिक ज़्यादा थे, यानी कि इन्हें पैसों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते थे अपनी लाइफ में। मनी माइंडेड कह सकते हो कि मनी माइंडेड बहुत ज़्यादा थे ये, और यही कारण है इन्होंने जब ये आपसे दूर गए ना, तब ये इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इन्हें बेसिकली ये लग रहा था कि आसानी से निकल जाएंगे आपसे, आपके प्यार से, आपकी एनर्जी से आसानी से निकल जाएंगे। यही कारण था इनका खुद का ईगो, इनका खुद का अपने आप को बहुत सुपीरियर मानना। अभी हमारा सवाल है कि क्या इन्हें आपकी वैल्यू समझ में आई है या नहीं आई है। तो देखिए गाइस, ड्रीम एंड द आउटसाइडर दोनों कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि अब इस वक्त में ना, ये कहीं ना कहीं आपकी उसी एनर्जीज में जो ये पास्ट में छोड़कर गए थे, उसी में अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं। यानी कि ये मूव ऑन करने की इन्होंने बहुत कोशिश करी, क्योंकि इन्हें ये लग रहा था कि ये मूव ऑन कर जाएंगे। लाइफ को लेकर, आपको लेकर इतने सीरियस नहीं थे, तो इन्हें लगा बहुत ईजी है आपसे अलग होना, आपकी यादों से अलग होना, आपके प्यार से अलग होना बहुत इजी है, बच्चों का खेल है। ये चीज़ें इन्होंने सोची थी, और इसीलिए ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से चले गए। इन्हें इतनी दिक्कतें उस वक्त में नहीं हुई जितना आप इनके जाने के बाद परेशान हुए, लेकिन आज ये ना आपकी ही यादें इन्हें बहुत ज़्यादा सता रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा सपनों में देख रहे हैं, और आपकी यादों से क्योंकि निकल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, रातों को भी आप इन्हें सपनों में भी दिखाई दे रहे हो। आपके साथ इनके जो भी पल थे, आपने जो भी इनके लिए करा, वो सब इन्हें याद आ रहा है, और वो सब चीज़ें ना इन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, वो चीज़ें इन्हें स्टक कर लेती हैं। ये चीज़ें दिख रही हैं, इनके पैर रोक देती हैं, ये चीजें दिख रही हैं। सप्रेशन का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है गाइस, देखो ये इस वक्त में ना इतना ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपसे मूव ऑन कर लिया, आपको
तो बेसिकली यही दिखाया कि भाई आपसे ये मूव ऑन कर गए, आपके बिना रह सकते हैं, कुछ भी इश्यू हो जाए भाई ये तो डील कर लेंगे। ये चीज़ें 100% आपको दिखा रहे थे कि अपनी दुनिया क्रिएट कर लेंगे, अपने आप से मस्ती में रहेंगे, लेकिन सप्रेशन का कार्ड बता रहा है कि नहीं रह पाए। जो भी सपने देखे थे, जो भी सोचा था, वो सब चीज़ें जस्ट पलट हो गया। यानी कि ओवरऑल बोलूँ तो आपके लिए इन्होंने कहीं ना कहीं गड्ढा खोदा होगा, लेकिन उस गड्ढे में ये खुद गिर गए, क्योंकि ये आपकी एनर्जी से बिल्कुल भी नहीं निकल पाए। ये बल्कि अब आपके दूर जाने के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, अपनी लाइफ को, अपने आप को बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे होता है ना, अपनी लाइफ को ही बर्डन की तरह ले रहे हैं। ये चीज़ें दिख रही हैं, जहाँ पे भी हैं वहाँ निकल नहीं पा रहे हैं। बार बार हमेशा ट्राई करते हैं, मूव ऑन कर जाएंगे, आपसे बोल भी रहे हैं कि होंगे कि भाई मैं मूव ऑन कर गया या मैं मूव ऑन कर गई, ऐसा बोलते भी होंगे, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। इन चीज़ों का ये बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। ये 10 of Wands का कार्ड है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव रहने की, मैनिफेस्ट करने की, चीज़ों को सही करने की, लेकिन चीज़ें नहीं सही हो पा रही हैं, तो वो और इनके ऊपर पत्थर की तरह आकर पड़ रही हैं। ये चीज़ें मुझे इनकी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो इन 6 कार्ड्स के अकॉर्डिंग तो जी हाँ, इन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आपकी वैल्यू और आपके प्यार की वैल्यू, ये चीज़ें कि भाई ये नहीं निकल पा रहे, कुछ तो चीज़ थी आप लोगों के बीच में, आपने कुछ तो करा था, उन चीज़ों से, उन एनर्जी से ये नहीं निकल पा रहे हैं। चलिए गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए, सप्रेशन को और क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स और बताइए, सप्रेशन को और क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स और बताइए। 1, 2, 3, 4 यहाँ पे आया है 2 of Pentacles, 4 of Swords, 2 of Wands एंड द हैंग्ड मैन। डेफिनेटली यही मैंने आपको बोला और यही सब आ गया। यहाँ पे आया है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। और ये हमारी पाइसिस की एनर्जीज हो गई। तो देखिए गाइस, बेसिकली आपके पर्सन, यही चीज मैंने बोली आपको कि अपने आप को बेनतहा स्टक महसूस कर रहे हैं और बहुत ज्यादा जगल कर रहे हैं, क्योंकि निकल नहीं पा रहे हैं सिचुएशन से, मूव ऑन कर नहीं पाए हैं। आपकी तरफ किस मुंह से बढ़ा जाए, इन चीजों के प्रति काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। कहीं आप रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, कहीं आप इन्हें उल्टा सीधा तो नहीं सुना दोगे, कहीं इनका चेहरा आप इनके सामने तो नहीं ला दोगे। ये चीजों के प्रति ये बहुत ज्यादा बर्डन ले रहे हैं, इन चीजों के प्रति बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, ये चीजें दिख रही हैं। डेफिनेटली इन्होंने पास्ट में आपके साथ ब्रेकअप करा, इन्हीं का डिसीजन था आपसे मूव ऑन करने का, आपको छोड़कर जाने का, इन्हीं का ये सब डिसीजन था। लेकिन आज अभी उसी डिसीजन पर बैठे हुए सोच रहे हैं कि अब क्या करें, क्योंकि नहीं कर पाए हैं, बर्डन ले रहे हैं, तो इसीलिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार अब क्या करूं, कैसे करूं, कैसे सॉल्व आउट करूं चीजों को, ना इधर का रहा ना इधर की रही, ऐसा सिचुएशन को हैंग्ड कर रहे हैं, यानी कि अपनी सिचुएशन को भगवान को हवाले कर रहे हैं कि गॉड आप ही कुछ कर सकते हो, क्योंकि मैं तो एकदम हेल्पलेस, एकदम होपलेस हो गया हूँ या हो गई हूँ, ऐसा ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। यानी कि ओवरऑल ना ये हैंग्ड इसलिए हुए हुए हैं ना गाइस, क्योंकि इन्हें ना अब डिफिकल्टी हो रही है कि क्या डिसीजन लिया जाए, क्योंकि इतना ही ज़्यादा कन्फ्यूज है, तो इन्हें सही निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। और जिस वजह से, जिस रीजन की वजह से ये आपको छोड़कर गए थे ना कहीं इनके माइंड में ये चल रहा है कि या तो आप इनके पास रहोगे या वो जो वजह थी ना वो इनके पास रहेगा। तो इन्हें कहीं ना कहीं कुछ चीजों को खोने का डर लग रहा है, इन्हें ये लग रहा है कि अगर मैंने ये चीज ले ली, यानी कि कोई जिस वजह से आपके पास गए थे, तो आप इनसे बहुत ज्यादा दूर हो जाओगे, अगर आपके पास आते हैं तो वो वजह इनसे बहुत ज्यादा दूर हो जाएगी। तो इसीलिए अपने आप को बहुत ज्यादा कन्फ्यूज, बहुत ज्यादा जगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए बहुत ज्यादा बर्डन ले रहे हैं, ये चीजें दिख रही हैं। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। दे आर द वर्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स और बताइए। क्या बनाना चाहते हैं अपनी दुनिया में, क्या लाना चाहते हैं अपनी दुनिया में। 1, 2, 3, 4 यहाँ पे आया है प्रिंस ऑफ सोर्स, ये आया है डेविल की एनर्जी, द वील और द मून।
देखो गाइस, ये बात तो यहाँ पर तय है कि आपके पार्टनर ये तीनों ना मेजर अरकानास कार्ड हैं, तो ये बात तो तय है कि आपके पार्टनर ने ना पास्ट में 100% एक डेविल वाला काम करा है, प्यार को ठुकराया है इन्होंने। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार को ठुकरा कर इन्होंने एक डेविल वाला काम करा है, आपका दिल दुखाकर वही इन्होंने काम करा है। ये चीजें ना इन्होंने अपनी लाइफ में खुद से मैनिफेस्ट करी हैं, ये चीजें मुझे दिख रही हैं। यानी कि इन्होंने जो आप लोगों के बीच का रिश्ता था उसे खुद से कंट्रोल से छोड़ दिया, खुद से अपने बीच में आप लोगों के बीच में डिफ्रेंशिएट क्रिएट करे इन्होंने। यानी कि इन्होंने ये जो मैनिफेस्ट कराना ये खुद से करा है, खुद से अपनी ये सोच बना ली कि भाई आप दोनों बहुत ज़्यादा अलग अलग हो, आप दोनों को अलग रहना चाहिए, आप दोनों बहुत एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हो। ये चीजें ना, ये कार्मिक साइकिल इन्होंने खुद से अपनी लाइफ में क्रिएट करी हैं, ये डेविल वाली चीजें खुद से क्रिएट करी हैं, नेगेटिव थॉट्स, ये चीजें दिख रही हैं। और प्रिंस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि अब आपके पर्सन ना कहीं उसी ऑब्स्टिकल्स को, ये जो चीजें इन्होंने अपनी लाइफ में क्रिएट करी हैं, वी आर द वर्ल्ड, यानी कि आप लोग अगर एक फैमिली में थे या एक कमिटमेंट में आना चाहते थे ना, तो इन्होंने ये उस फैमिली का ये रूप कर दिया, उस सपने का इन्होंने ये रूप कर दिया। अनकंट्रोल्ड सिचुएशन, कार्मिक साइकिल लेकर आ गए, डेविल वाली एनर्जी दिखा दी, आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हुए होंगे, बहुत सारों के पार्टनर ने अपने गुस्सा, अपनी भड़ास किसी बात पर लेकर निकाली होगी। तो अब ना ये मैच्योर होकर उन्हीं ऑब्स्टिकल्स को जो इन्होंने खुद से क्रिएट करे हैं, उन्हें अब ये सॉल्व करना चाहते हैं, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। यानी कि एक फेयर जजमेंट लेकर आना चाहते हैं, चीजों को मैच्योरली डील करना चाहते हैं। ये जो कन्फ्यूजन आप लोगों के बीच में क्रिएट हो गया, स्पेशली इनके खुद के माइंड में कि भाई बहुत अलग अलग हैं हम लोग, ये चीज़ों को ये अब ख़त्म करना चाहते हैं, उस चीज़ के मामले में ये सिचुएशन को क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि क्यों कर रहे हैं भाई अब ऐसा, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू, आपकी कदर समझ में आ रही है, इसका कारण ये है। द आउटसाइडर को क्लैरिफाई कीजिए, यूनिवर्सल बताइए, द आउटसाइडर को क्लैरिफाई कीजिए, आउटसाइडर को क्लैरिफाई कीजिए, यूनिवर्सल बताइए, 1 2 3 क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो मैंने गाइस यही बोला था कि आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे अभी तक टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी रह गई थी, वो भी यहाँ पर आ गई है, ओवरऑल सभी एनर्जीज हो गई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ना, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि इन्होंने आपको जो छोड़ा था ना, मूव ऑन जो करा था, या तो कोई पेरेंट्स इश्यूज था इन लोगों के, आप लोगों के बीच में कोई कास्ट परंपरा ट्रेडिशंस, आप लोगों के बीच में एज गैप हो सकता है, या थोड़ा फैमिली का इश्यूज, फैमिली बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है, ये हो सकता है, रिचुअल इश्यूज हो सकते हैं, या इनका खुद का कैरियर भी हो सकता है, ठीक है। या यहाँ पे ये भी चांसेस हैं कि इन्होंने पैसों की वजह से अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग कहीं और शादी करने का निर्णय भी ले लिया हो, यहाँ पे ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो भी है इन्होंने इस वजह से कर लिया, जो इन्हें करना था इन्होंने बिल्कुल कर लिया बहुत आसानी से, तब चीज़ों को इन्होंने संभाल लिया। लेकिन अभी क्या है, ये अपने आप को क्यों स्टक महसूस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इन्हें आपकी याद आ रही है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, क्वीन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की या लड़के, लड़की के लिए हो, लड़के के लिए भी हो सकता है। तो इन्हें बेसिकली आपकी याद आ रही है, मैं सिर्फ इनकी क्वालिटीज बताती हूँ जो आपसे मैच करती हैं, तो इन्हें वो क्वालिटीज याद आ रही हैं। आप कहीं ना कहीं इन्हें प्यार करते थे, इनके लिए इमोशनल थे, इनके लिए सेंसिटिव थे, आप बहुत अच्छी तरह से इन्हें सुनते थे, इन्हें कभी जज नहीं करते थे, इन्हें हमेशा इनकी परेशानियों में कंधा देते थे, सपोर्ट करते थे, वो चीजें इन्हें याद आ रही है। यानी कि इन्हें सब तो मिला, या इन पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, पैसों के अकॉर्डिंग चीजें तो मिली, लेकिन वो कंधा नहीं मिला, वो सपोर्ट नहीं मिला, जिस वजह से अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी से निकल नहीं पाए हैं, इसीलिए ऐसा महसूस कर रहे हैं। बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं, क्यों हिम्मत जुटा रहे हैं भाई, क्यों, क्योंकि ये चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, आपके
साथ जो इन्होंने करा गलत वो चीजों के प्रति अब इक्वल गिव एंड टेक देना ये चाहते हैं ये। क्यों? क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं आपके प्यार की आपकी कदर समझ में आ रही है। आप लोगों के रिश्ते में ना गाइस चाहे कुछ भी हो, शुरू से आखिरी तक जो आज तक आपकी स्टेज आई है ना, उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन को दिया। आपने शायद इस चीज को रियलाइज नहीं किया हो, लेकिन आपने इस पर्सन को दिया ही दिया, और इसीलिए इस पर्सन ने आपको एज अ डिफॉल्ट ले लिया कि भाई ये तो मेरे पास हमेशा रहेगा या रहेगी। इसीलिए आप लोगों की सिचुएशन आपके सामने ये आई, आपको अपनी वैल्यू समझाने के लिए कि भाई आप क्या हो, आप हमेशा देने के लिए नहीं बने हो, और आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझाने के लिए कि भाई ये भी एक इंसान है, इसने आपको बहुत कुछ दिया है, आपने उसकी कदर नहीं समझी है। तो ये चीजें समझाने के लिए ना आप लोगों को अलग करा गया है। जो भी है आपकी एनर्जी से नहीं निकल पाए हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं वापस से आपको वही प्यार जो आपने ने दिया था वो देने के लिए, वही चीजें आपके साथ शेयर करने के लिए, ये चीजें मुझे दिख रही हैं। ठीक है, चलिए द मास्टर को क्लैरिफाई करते हैं। मास्टर को क्लैरिफाई कीजिए। 1, 2, 3, 4, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, द लॉर्ड। वाओ, देखो गाइज ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल श्योर हो जाती है कि आपके पार्टनर ने ना आपको एज अ डिफॉल्ट ही लिया था। ठीक है, यहाँ पे कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो की स्ट्रांग एनर्जीज आई है, वैसे जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस भी यहाँ पर आया है। नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, यानी कि अप्रैल मंथ, जैसे आपका बर्थ मंथ हो, आपके पार्टनर का बर्थ मंथ हो, आप लोग फर्स्ट टाइम अप्रैल मंथ में मिले थे, आपका रिश्ता 4 साल का था, 4 महीने से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को डील कर रहे हो, अप्रैल मंथ में आप लोग अलग हो गए थे, या अप्रैल मंथ में कुछ ऐसा गलत हुआ था, आपको आपके पार्टनर के कोई सीक्रेट्स पता चले थे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अप्रैल मंथ से आप फेस कर रहे हो, इस तरह से ये नंबर्स और ये मंथ आपसे रिलेट करते होंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपके पार्टनर ना ये चीजों को अपने आप से सोच रहे हैं। ठीक है, अपने आप को एज अ लॉर्ड और आपको एज अ क्वीन ऑफ सोर्ड्स सोच रहे हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, लड़का लड़की किसी भी तरह से आप ले सकते हो, लेकिन जो मैं आपके लिए बता रही हूँ, यानी कि अपने आप को ये सोच रहे हैं कि भाई मैं चाहे कुछ भी हो जाए अब इस रिश्ते की तो लीड लेकर ही रहूंगा या रहूंगी। क्यों? क्योंकि ये आपके प्रति बहुत ज्यादा पैशनेट हो रहे हैं, इसीलिए ये क्रिएट कर रहे हैं कि ये आपको अपनी लाइफ में वापस से लेकर आकर ही रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम इज कि आपको ये देख रहे हैं कि अब आप इनसे कम्युनिकेट करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा पास्ट में एफर्ट कर चुके हो इन्हें मनाने की, इन्हें कन्विंस करने की, वापस से अपनी लाइफ में लाने की, लेकिन इन्होंने कभी आपकी सुनी नहीं। बजाय आपके सुनने के इन्होंने तो ऑप्शंस देखने शुरू कर दिए। ये चीजें हैं, तो इसीलिए ये जो क्रिएट कर रहे हैं, ये क्रिएट कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए, लेकिन ये चीजें भी समझ रहे हैं कि नहीं, अब ये जो सामने वाला पर्सन है ना, ये बहुत ज्यादा चेंज हो गया, ये अब बहुत लॉजिक्स देखता है, अब ये पहले जैसा नहीं रहा है या रही है। अब अगर इसके सामने ऑफर लिया लेकर जाया भी जाएगा तो हो सकता है ये जो साइकिल इन्होंने बनाई थी, शुरुआत करी थी, वो साइकिल को कंप्लीट आप करो, यानी कि अब आप इसके ऑफर को रिजेक्ट करके इनकी बनाई हुई साइकिल को आप कंप्लीट करो। इस चीज का इन्हें यहाँ पे डर लग रहा है। ठीक है, सैड एनर्जी में बहुत ज्यादा है, परेशान बहुत ज्यादा है, जिन ऑप्शंस के पीछे भाग रहे थे, जिन ऑप्शंस के लिए बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे थे, अल्टीमेटली कोई ऑप्शन नहीं रहा, सब पानी में एकदम से गायब हो गया, वापस से आप ही रह गए। ये चीजें हैं, तो ये जो क्रिएट कर रहे हैं वापस से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए, इन चीजों के लिए आप चाहे कोई भी चैलेंज आ जाए उसे सॉल्व कर लेंगे, उस एनर्जी में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, उस एनर्जी में अपनी लाइफ को क्रिएट करते हुए अपने मास्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीजें दिख रही हैं। ठीक है, जो शायद पहले बनना चाहिए था वो अब बनने की कोशिश कर रहे हैं। गोइंग विद द फ्लो को, गिर गया हमारा कार्ड, चलिए फिर से देखते हैं। गोइंग विद द फ्लो को क्लैरिफाई करते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स से, बताइए गोइंग विद द फ्लो को क्लैरिफाई कीजिए। गोइंग विद द फ्लो को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स से, बताइए। 1, 2, 3, 4, ठीक है, चलिए। एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ सोर्स एंड द स्टार।
देखिए गाइस, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, देखो दो केसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों की जो सिचुएशन है आप प्लीज उसी हिसाब से लीजिएगा। पहला केस दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ना आपकी लाइफ से आपको बिना कुछ बताए छोड़कर चले गए थे, ठीक है, बीच मैदान से ही आपको छोड़कर चले गए, यानी कि आपको पता ही नहीं कि बंदा या बंदी जा क्यों रहा है। आप इसी सोच में रह गए कि भाई क्या गलती हो गई, किस किस चीज किस वजह से गए हैं, ये चीजों के प्रति आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहे। पहला केस ये दिखाई दे रहा है, तभी यहाँ पे आप बहुत ज्यादा इन्हें मनाने की, कन्विंस करने की, वजह जानने की कोशिश करते रहे। दूसरी वजह ये दिखाई दे रही है, आप लोगों के बीच में कोई अनबन हुई है, किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत तू तू मैं मैं हुई है, बहुत मतलब गलत वर्ड्स एक दूसरे को बोले गए हैं, ये चीजें दिख रही हैं। वजह कोई भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इनसे कमिटमेंट चाह रहे थे लेकिन ये कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि ये आपको बेसिकली सीरियसली नहीं ले रहे थे। आप चाह रहे थे कि भाई कमिटमेंट हो तो रिश्ते को एक नाम दे दिया जाए, कमिटेड थे तो किसी और रिलेशनशिप में थे, कमिटेड थे तो किसी और के इन्फ्लुएंस में थे, जिस जो आपको पसंद नहीं आ रहा था, तो आप ये चाह रहे थे कि चीजें सॉल्व हो जाए, एक एक सिरे से चले चीजें, जिसके लिए तैयार नहीं थे, और जिस वजह से ना इन्होंने वो बात अपने ईगो पे लेना ज्यादा बेहतर समझा और आपसे फ्लो के साथ चलते हुए आपसे मूव ऑन करने का डिसीजन ले लिया, ये चीजें दिख रही हैं। दो सिचुएशन है जिसकी जो जैसी सिचुएशन है आप प्लीज उसी हिसाब से लीजिएगा। अभी क्या है, अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये फ्लो के साथ चल रहे हैं और एक होप बनाए बैठे हैं कि नहीं मेरा प्यार वापस से मेरी लाइफ में आएगा, मेरा रिश्ता ना वापस से सही हो जाएगा, मेरे को आज भी इस रिश्ते से होप है, ये ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। ये फ्लो के साथ चल तो रहे हैं लेकिन साथ में ना डीप इनसाइड फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, भगवान पे विश्वास बनाए बैठे हैं कि चीजें सॉल्व हो जाएंगी, रिश्ता सही हो जाएगा, इस रिश्ते में ना न्यू बिगनिंग हो जाएगी, ऐसा ये सोचकर बस फ्लो के साथ चल रहे हैं कि समय के साथ मेरी लाइफ में चीजें सही हो जाएंगी और जो मेरे पार्टनर हैं उन्होंने मुझसे बहुत प्यार करा है, मेरे लिए मर मिटते थे, मेरे लिए ऐसे थे, मेरे लिए वैसे थे, चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरे साथ इस रिश्ते में वापस से आ जाएंगे, ऐसा सोचकर फ्लो के साथ चल रहे हैं, ये चीजें दिख रही हैं, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बेसिकली आपकी वैल्यू आपकी कदर समझ रहे हैं ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अपने आप से ही ना ख्याली पुलाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं, ये चीजें मुझे दिख रही हैं। द ड्रीम को क्लैरिफाई कीजिए, मैंने उसे बताइए, द ड्रीम को क्लैरिफाई कीजिए, द ड्रीम को क्लैरिफाई। एक कार्ड हमारा गिरा, 1, 2, 3 and 4। यहाँ पे आया है गाइस 3 of Cups, 5 of Wands, Ace of Swords and 9 of Pentacles। देखो बेसिकली ये जो आपके सपने देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं जो आप लोगों में से काफी लोगों के बीच में या तो ऑलरेडी लड़ाई हो चुकी है, काफी लोगों का इन्फ्लुएंस आ चुका है, उन लड़ाई के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ये सोच रहे हैं कि अब आपकी तरफ आने में ना बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होंगे, ठीक है। इनको ये आपको सोच करना, साथ में इनके मन में ये थॉट आ रहे हैं कि अब आपके साथ आएंगे तो बहुत ज्यादा लड़ाई, बहुत लोगों का इंटरफेयर हो जाएगा क्योंकि चीजें ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हैं, ऐसा सोच रहे हैं। ये आपको आपकी मेमोरीज याद करके आपको सपनों में जब देखते हैं ना, तो आपको एक अलग वे में देखते हैं, आपको देखते हैं कि अब आप इंडिपेंडेंट हो, अब आप इनके लिए इतना नीडी नहीं हो, अब आप अपने में खुश हो, अब आपने अपने आप में खुश रहना सीख लिया है, ये उस तरह के ख्वाब आपके लिए देखते हैं, ये चीजें दिख रही हैं। यानी कि ओवरऑल ये आपको सपनों में तो जरूर देख रहे हैं लेकिन आपको अलग फॉर्म में देख रहे हैं, ये चीजें दिख रही हैं। इन्हें ये लग रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, आप ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हो इनसे और अब बहुत लेट हो चुका है, अब अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा चीजें खराब होंगी, और ज्यादा चीजें खराब होंगी, ये देख रहे हैं क्योंकि ये आपको एक अलग नजरिए से देखते हुए मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं, ठीक है। और एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये भी बता रहा है कि हालांकि ये सब चीजें सपनों में तो देख रहे हैं लेकिन साथ में ये भी सोच रहे हैं या ये भी देख रहे हैं कि क्लियरिटी आ जानी चाहिए, जो भी है किसी तरह से चीजें सही हो जाएं, ये आपको कोई ना कोई बहाना बताएं, कोई चीजों के मामले में जो क्लियरिटी नहीं है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप लोगों के बीच में, जो ट्रस्ट इश्यूज आए हैं आप लोगों के बीच में, वो सॉल्व हो जाए। तो ये उन मामलों में भी ना काफी ज्यादा सपने देख रहे हैं, यानी कि पास्ट की आदत ना गई नहीं है बंदे की या बंदी की, आज भी वही डे ड्रीमिंग कर रहा है 7 ऑफ कप्स की, क्लियरिटी आ जाएगी भाई, तभी आएगी ना जब
आपकी तरफ कम्युनिकेशन लेकर आएंगे, जब आपसे बात करेंगे, लेकिन आपको अलग नजरिए से देखने के साथ साथ ये भी सोच रहे हैं बहुत लड़ाई होगी, इस चीज से डर रहे हैं, ये चीजें दिख रही हैं। ठीक है, तो सपने जरूर देख रहे हैं आपके, लेकिन आपको इस नजरिए से देख रहे हैं ये। ठीक है, यहाँ पे गाइस देखो, मुझे आप लोगों के लिए वन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, यानी कि जनवरी मंथ किसी ना किसी तरह से आपसे ये नंबर या ये मंथ रिलेट कर सकता है। सवाल उठता है, इन्हें कदर तो आपकी समझ में आ गई है, लेकिन आगे क्या होना है आपके रिश्ते में। ठीक है, ये देखते हैं हम डेस्टिनी से। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आगे क्या होना है। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आगे क्या होना है। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या होना है इनकी लाइफ में और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सक्सेस, हेल्पफुल पीपल, एक कार्ड और देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए, एक कार्ड और दीजिए, क्या लिखा है इनकी डेस्टिनी में आपने। मेडिटेशंस ब्रिंग आंसर्स। देखिए गाइज, आपसे बोला जा रहा है आप लोगों का जो भी रिश्ता है ना, उसमें सफलता तो आपको जरूर मिलेगी, और सबसे बड़ी सफलता आपकी ये है कि आपको अपनी कदर करनी आ गई है और आपके पार्टनर को आपकी कदर करनी आ गई है। सबसे मेन सफलता आपको ये मिली है अपनी लाइफ से, अपने रिलेशनशिप से। अगले कुछ महीनों में, मुझे मोस्ट प्रोबेबली एक महीना लग रहा है, ठीक है, अगले कुछ महीनों में आपकी ये सफलता आपके सामने बिल्कुल आ जाएगी। जो आज आप इन चीजों पे डाउट कर रहे हो ना, वो चीजें बिल्कुल आपको दिखाई भी देने लगेंगी, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। साथ में आपसे बोला जा रहा है आप दूसरों की हेल्प करो ताकि आपको उससे दोगुनी हेल्प मिले। ठीक है, हेल्प करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। और आपसे बोला जा रहा है मेडिटेट जरूर करते रहिएगा, जो आपके मन में जहन में सवाल आते रहते हैं हमेशा, क्योंकि वो सवाल ना आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव कर देते हैं, तो उन सवालों को उस मेडिटेशंस के थ्रू आपको सवालों का जवाब भी मिलता रहेगा और आप पॉजिटिव भी होते रहोगे, तो ये जरूर आप कीजिएगा। तो एक महीने के अंदर अंदर चीजें ना आपकी आपके ट्रैक पे आती चली जाएंगी, आप खुद ये चीजें महसूस करोगे, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, रोमांस एंजल से देख लेते हैं आपके लिए क्या बोला जा रहा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए रोमांस एंजल से क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट विन इज लव योर सेल्फ फर्स्ट, जो कि आपको सिखाने के लिए ही कहा जा रहा है। आपसे बोला जा रहा है योर सेल्फ रेस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। आपसे देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग से यही बोला गाइस, आई थिंक यहां से मैंने आपको यही बोला कि आपको ये आप लोगों के बीच में ये साइकिल इसीलिए हुई, और अभी भी ये बोला जा रहा है आप अपने आप से पहले प्यार करना सीखो, अपनी वैल्यू खुद से करना सीखो। दूसरे की नजरों में तो तभी वैल्यू बढ़ेगी जब तक आप अपनी नजरों में उस वैल्यू को बढ़ाओगे। क्या एक कार्ड और देखते हैं रोमांस एंजल से। फाइनेंसेस एंड कैरियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। मैंने आपको शायद ये भी बोला था विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कि आप लोगों के केस में ना कोई पैसों को लेकर इश्यूज था कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए थे। हो सकता है थोड़ा आप लोगों के बीच में स्टेटस चेंज हो, या ये हो सकता है पैसों की वजह से पार्टनर किसी और की लाइफ में चले गए हों, मतलब ओवरऑल पैसा भी यहाँ पे इश्यूज एक दिखाई दे रहा है और वो ही वही चीज यहाँ पे आ गई। हो सकता है कैरियर की वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया हो, ये भी चांसेस है। एक कार्ड और देख लेते हैं, राइट कीजिए यूनिवर्स और बताइए। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। आपसे बोला जा रहा है आप लोगों का जो भी कनेक्शन है ना, वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यानी कि आप लोग इसी जन्म में नहीं मिले हो, आप लोग पिछले जन्मों से मिले हुए हो, जन्मों जन्मों का आपका रिश्ता है, सोलमेट कनेक्शन है आप लोगों का, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। मूनोलॉजी से और देख लेते हैं क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में। आई नो थोड़ी लंबी रीडिंग हो गई है, लेकिन क्लियर कर देते हैं चीजों को, क्या लिखा है आपके डेस्टिनी में। गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए। वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। आपसे बोला जा रहा है सबसे पहले तो आप अपने डर पे जीत हासिल करो, जो आपके मन में चलता रहता है ना कि क्या ये मेरे पास आएगा या नहीं आएगा, क्या आएगी या नहीं आएगी, क्या ये मुझे छोड़कर चला जाएगा, इस तरह के डर से पहले आपको जीत हासिल करनी है, कॉन्फिडेंट होना है, ऐसा बोला जा रहा है आपसे। ठीक है,
यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर। आपसे बोला जा रहा है आपके जो भी प्यारे हैं, जिनसे आपने बहुत ज्यादा प्यार करा है, और आप दोनों यूनिवर्स और एंजल्स के थ्रू सेफ करे जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि आप पर कोई आंच नहीं आएगी, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ये ऑलरेडी आ गया है कार्ड। आपसे बेसिकली बोला जा रहा है मेडिटेशन करने के लिए, ताकि आपके सवालों का जवाब आपको मिल सके। एक कार्ड और देख लेते हैं, ठीक है। चार चार कार्ड्स निकालने हैं तो एक कार्ड और देख लेते हैं। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉन। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है गाइस, देखो आप काफी लंबे समय से प्रेयर कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, वेट कर रहे हो, तो आपसे बोला जा रहा है ये बेसिकली आपका एक हार्ड वर्क है, एक हार्ड टाइम चल रहा है, तो उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे तो सक्सेस का भी कार्ड आया है, फाइनली आपको आपका रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन आपको इन चीजों के प्रति नेगेटिव नहीं होना है, आपको हमेशा पॉजिटिविटी बनाए रखनी है, तभी चीजें आपके फेवर में होंगी। बिना किसी डाउट के, बिना किसी डर के, तभी ये चीजें सही होती चली जाएंगी लाइफ में, ठीक है गाइस। तो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। आपके पार्टनर को आपकी लाइफ, आपकी कदर भी, आपकी वैल्यू भी समझ में आ गई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हो। अगर रीडिंग पसंद आती है, रीडिंग से कनेक्ट हो पाते हो, तो प्लीज बताइएगा जरूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी अच्छी रीडिंग्स और अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।